हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर फ्री एपिसोड ऑफ गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। और ये एक ऐसा शो है जहां पे मुझे बहुत मजा आता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गैजेट्स एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गैजेट्स आफ्टर ऑल। और गैजेट्स अगर हमको पसंद हैं तो हमारे लिए बहुत मजेदार टाइम है आज के डेट में बिकॉज यू नो दैट एवरी डे समथिंग न्यू समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग और कैसे हम टेक में आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए गैजेट्स हमको मिलते जा रहे हैं। वेल इस वीक भी मेरे पास में आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग ऐसे कुछ गैजेट्स हैं और कुछ एक्साइटिंग बातें भी हैं। लेट्स सी व्हाट आई हैव फॉर यू इन दिस वीक शो। माय नेम इज़ गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। यू आर वॉचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यू नो द रिचुअल, हर हफ्ते की तरह इस बार भी वी हैव टू फर्स्ट लुक बैक एंड सी कि पूरे वीक में हुआ क्या इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक। गूगल ने अपने चैट जीपीटी कंपेटिटर बार्ड को रीनेम कर दिया है टू जेमिनाई। एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर बार्ड स्टिल रैंक्स द वेबसाइट, क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स यू टू जेमिनाई, यानी डोमेन फॉरवर्डिंग कर दी गई है। गूगल ने जेमिनाई एडवांस्ड भी लॉन्च किया है जो पेड वर्जन है एंड गिव्स यूजर्स एक्सेस टू अल्ट्रा 1.0 व्हिच अकॉर्डिंग टू गूगल इज द कंपनीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट केपेबल स्टेट ऑफ द आर्ट एआई मॉडल एंड ब्रिंग्स स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस एंड इज डिजाइन फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क्स। एक्सेस टू जेमिनाई एडवांस्ड इज पार्ट ऑफ गूगल वन एआई प्रीमियम प्लान, सो आपको जेमिनाई एडवांस्ड के बेनिफिट्स मिलते हैं ऑन टॉप ऑफ गूगल वन के प्रीमियम बेनिफिट्स एंड 2 TB ऑफ स्टोरेज। लीक्स एंड टिप्स सजेस्ट कर रहे हैं कि iPhone SE4 could be in the making and could look more like the iPhone 16 design than the iPhone 6, 7, 8 and so on. It will most likely however get a single camera at the back, unlike 2 and more that you get in the iPhone 15 and 16 models, and front mate dynamic island भी integrate हो सकता है। फ्यूजी फिल्म ने लॉन्च किया अपना इंस्टैक्स पैल डिजिटल कैमरा। ये एक पाम से भी छोटा कैमरा है, 100 यूसेज के हिसाब से डिजाइन है एंड इट डजंट हैव अ स्क्रीन, बट पेयर इट विद अ लिंक प्रिंटर एंड आप इससे क्लिक करी हुई पिक्चर्स को पोलरॉइड्स की तरह प्रिंट कर सकते हैं। इट हैज ए 1x5 inch CMOS सेंसर एंड कैन इंटरनली स्टोर अराउंड 50 इमेजेस, बट सरप्राइजिंगली इट कम्स विद अ माइक्रो SD स्लॉट व्हिच इंक्रीजेस इमेज सेविंग कैपेसिटी एंड कैमरा को चार्ज करने में अराउंड 3 hours लगते हैं यूजिंग द टाइप सी पोर्ट अवेलेबल। Sennheiser India updated the Accentum series with a new Accentum Plus Wireless. ये Bluetooth headphones wired aux output भी support करते हैं. Available in 2 colors and a starting price of 15,990, these headphones claim a battery life of 50 hours, hybrid adaptive noise cancellation, support for high-res wireless codecs like aptX Adaptive, and these are powered by 37mm dynamic transducers, and the sound can be customized through Sennheiser Smart Control app on Android and iOS. Google Maps has been updated to now show the weather and air quality information of locations. इसके लिए app updated to the latest version होना चाहिए and then जब आप किसी location को search करेंगे, आप interface से ही वहाँ की weather details and even air quality index and information भी निकाल सकते हैं। So friends, for the first story of this week, the top story, I have a smartphone. And speaking of smartphones, आपके दिमाग में आएगा, I mean smartphones are typically like all the same. आपको पता है what exactly is the basic set of things, but this one is a bit different because what I have is this. ये है Realme का latest Realme 12 Pro Plus. Designed uniquely, feels like a luxury watch. ये जो पूरा इसका camera island है, kind of specs it packs, it is a really powerful smartphone, especially in terms of the camera and I mean the design is very unique. तो एक बार आप देखिए और experience कीजिए that how exactly is this Realme 12 Pro Plus as a package और क्या-क्या चीजें इसमें Realme ने pack की हैं and making this one of the best camera smartphones in this price segment. Realme 12 Pro Plus 5G एक काफी camera focused device है। ये इसके back पे present large circular camera housing को देख के ही evident हो जाता है। And Realme ने back के design में एक luxury watch के circular housing के design cues भी डाले हैं। इसमें Realme के design studio ने international luxury watch designer Olivier Savio की help ली है। The back is vegan leather. Plus this diamond pattern in the back is placed to remind users of the texture of luxury watch straps.
फ्लैश को टॉप सेंटर में रखने की वजह से एक सिमेट्री भी देखने को मिलती है। व्हाइल द नेविगेटर बीज वेरिएंट मे नॉट स्टैंड आउट पर से, सबमरीन ब्लू एंड एक्सप्लोरर रेड डू पुल आईज। इस ट्रिपल कैमरा सेटअप में दो हाईलाइट्स हैं। वन इज द 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 OIS कैमरा एंड द सेकंड इज अ 64 मेगापिक्सल पेरिस्कोप पोर्ट्रेट कैमरा कर्टसी एंड ओमनीविजन OV64B सेंसर। इस वजह से आप बैक पे 120x सुपर जूम की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। 3x ऑप्टिकल जूम है। दीज कैमरास टेक गुड फोटोज एंड थोड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के बाद यू गेट गुड पोर्ट्रेट फोटोज एज वेल। इसके अलावा फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है विच हेल्प्स इन अदर डिफरेंट सिचुएशंस जहां पर आपको ज्यादा सब्जेक्ट को फ्रेम में लाना होता है। The camera also offers some cinema inspired tunings and filters जिनको Realme ने Claudio Miranda के साथ co-develop किया है। 32 megapixels का selfie camera एक छोटे से punch hole में छुपा हुआ है, surrounded by a 6.7 inch Pro XDR display. Refresh rate 120Hz है, however the local peak brightness is 950 nits. Running this device is a Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset. ये एक 4 nanometer processor based chipset है, has been power efficient, good at understandable multitasking and आपको 8GB या 12GB RAM के दो ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। These will also get you 128GB या फिर 256GB of internal storage के ऑप्शंस। Other features जो इस फोन की ease of everyday usage में help करते हैं are the 5000mAh battery, the 67W Super VOOC charge की compatibility जिसका charger फोन के box में ही आपको मिल जाता है and out of the box Realme UI 5.0 का OS। ये काफी customizable है but could do with less pre-installed apps। फोन 5G plus 5G dual mode support करता है via 2 nano SIM cards and on Realme's own India website। बेस वेरिएंट आपको 29999 का मिलेगा एंड टॉप वेरिएंट आपको 33999 का मिलेगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस द लेटेस्ट फ्रॉम Realme, द 12 Pro Plus। प्राइस स्टार्ट्स एट 29999 रुपीस एंड आई मस्ट टेल यू, इस प्राइस पे इस फोन का जो कैमरा है, स्पेशली द कैमरा एंड स्पेशली द इंक्लूजन ऑफ अ पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मैकेनिज्म, इट क्लियरली शोज कि टेक्नोलॉजी कितने ज्यादा तेज स्पीड से ग्रो कर रही है एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर एबल टू एंजॉय ऑल दीज स्मार्टफोन्स पैकिंग सम लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट दिस प्राइस पॉइंट। और आई थिंक ये कुछ ऐसा ही है जहां पे यू नो इट्स ऑब्वियस नाउ कि जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज ट्रिकलिंग डाउन एंड इट्स अवेलेबल फॉर द मासेस एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। Did you know, एक बार बहुत पहले 1983 में कुछ ऐसा prediction हुआ था from Time Magazine। Time Magazine आपको नहीं पता है, it's a very popular magazine published straight from New York और अभी last year ही इनकी 100th anniversary भी थी और हर साल they declare someone as the Time person of the year और जो मैगजीन का कवर होता है उस पर ये फोटो आती है फ्रॉम महात्मा गांधी टू नेल्सन मंडेला, काफी फेमस चेहरों को इस मैगजीन के कवर पे देखा गया है। बट समथिंग वेरी वेरी यूनिक हैपेंड इन 1983। अब उस टाइम पे जो मैगजीन का कवर था उस पर कोई इंसान नहीं था, देयर वाज दिस स्कल्पचर स्टेयरिंग एट समथिंग और वो जो चीज थी वो एक कंप्यूटर था। Now, उस टाइम पे द कंप्यूटर्स वर नॉट दैट पॉपुलर, बट जस्ट इमेजिन दैट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स अगो कैसे टाइम मैगजीन ने उस चीज को प्रिडिक्ट किया और आज की डेट में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज कंप्यूटर्स। फिर चाहे हम इंटरनेट की बात कर लें या फर्दर मैटर आर स्मार्टफोन्स, नाउ दे आर कंप्यूटर्स राइट इन आर पॉकेट्स। और 40 साल पहले करीब उस चीज को प्रिडिक्ट किया गया था। Did you know this? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो let me know by writing at tg@ndb.com। और आपकी तरफ अगर मन में कुछ और बातें हैं, कुछ और ऐसे सीक्रेट्स हैं या कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसे ही ट्रिविया वाली कुछ चीज़ें हैं तो बताइए। और फिलहाल ब्रेक के बाद इंतज़ार कीजिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में। एट द सेम टाइम आई एम गोना गिव यू अ वेरी नाइस टेक टिप एज वेल। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक टू योर फेवरेट शो गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। और यहाँ पे इस शो में हमेशा गैजेट्स की बात करते हैं, नई नई चीजें आपको दिखाता हूँ एंड अ यूनिक फैक्ट अबाउट दीज गैजेट्स इज दैट समटाइम्स दे गेट वेरी टाइनी और इतने छोटे कि वो सीधे अपनी पॉकेट में आ जाते हैं, इनफैक्ट मुट्ठी में भी आ जाते हैं।
यू नो दिस टेक्नोलॉजी इज गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे. और कुछ सालों पहले ही हमारे पास में वो छोटे वाले एयरपॉड्स आ गए थे. स्टार्टिंग देन आज हमारे पास में इट्स अ ट्रेंड दैट एवरीवन इज वेयरिंग दीज स्मॉल लिटिल ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स एंड दिस इज समथिंग लेटेस्ट फ्रॉम OnePlus. दीज आर द ऑल न्यू OnePlus Buds 3. दे आर वेरी यूनिक इन टू वेज. वन इज दैट जब इनको पहन लेते हैं तो फॉर कंट्रोलिंग दीज यू हैव दिस टच पैनल जहाँ पे आप स्लाइड जब करते हैं बाय जस्ट स्लाइडिंग अप एंड स्लाइडिंग डाउन यू कैन कंट्रोल योर वॉल्यूम. एंड सेकेंड यूनिक फैक्ट इज दैट दीज आर विद ड्यूअल ड्राइवर्स. यस, सो इट हैज अ 10.4 mm ड्राइवर फॉर योर गुड बेस एंड देन देयर इज अ 6 mm ड्राइवर एक्टिंग एज अ ट्वीटर for all other you know higher frequencies. So काफी unique ये buds हैं. Have a closer look and know more about these OnePlus Buds 3. इन ईयरबड्स ने ऑलरेडी 5,000 रुपीज एंड नियर बाय वाले सेगमेंट को शेक कर दिया है. OnePlus has already posted that these earbuds have achieved the highest day one sales for any OnePlus TWS product. देखते हैं what is working for them. They are quoted at an MRP of 6499. Launch offer pe 5499 mein available hain. Add some bank offers and you can get them for as low as 4499. Which means, ye apne quoted MRP pricing se 2 tier niche aake compete kar rahe hain abhi. You can get these in 2 colors, Splendid Blue and Metallic Black. मैट फिनिश की वजह से ब्लू केस पे फिंगरप्रिंट्स नेग्लिजिबल दिखाई देते हैं. द एलईडी अप फ्रंट ग्लोस टू शो स्टेटस एंड देयर इज टाइप सी चार्जिंग ऑन द बैक. हेडसेट्स प्लास्टिक एंड ग्लॉसी हैं एंड डू ऑफर टच एंड स्लाइड कंट्रोल्स फॉर वॉल्यूम एडजस्टमेंट. द ईयरबड्स दे आर लाइट एंड एक बार आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंगली टिप्स चेंज कर लें द स्टिक एंड स्टे इज प्रीटी गुड. प्लस दी सपोर्ट फॉर LHDC हायर कोडेक मींस आप 2496 फाइल स्ट्रीम करके सुन सकते हैं. सो दे गेट वाइड, they get loud without getting uncomfortably distorted and they do handle bass pretty well. And for people jinko high end heavy earbuds pasand nahi hai, wo connected phone ke audio settings mein jaake EQ modes modify kar sakte hain with support for Hey Melody app as well. In buds mein active noise cancellation ka bhi feature hai and moderately loud ambiences ko ye easily cut kar dete hain jaise AC hum, general office murmur and more. बहुत loud environments में they work but with a little struggle. Transparency mode काफी अच्छा है. In fact, जब आप एक earbud उतारते हैं तो transparency mode का दूसरे वाले earbud में automatically switch on हो जाना is pretty swift. ये transparency and noise cancellation दोनों phone calls में भी अच्छे से काम करती हैं. OnePlus की claimed battery life 44 hours है. So 2 working days ये easily चल जाता है. And being IP55 dust and water resistance rated, case को तो नहीं but buds को आप light rain and workout sweat में भी use कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इन टुडेज फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ टेक हम शायद कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं एंड वी जस्ट डू अ क्विक गूगल टू अरेंज फॉर ऑल आर असाइनमेंट्स या जो भी हमको कभी सबमिट करना था. यू नो GPTs एंड ऑल एंड इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर. नाउ दिस टिप इज फॉर ऑल द टीचर्स. मैं आपकी मदद करने वाला हूँ बिकॉज आप भी देखते होंगे at times student just submit all their assignments, all the homeworks done by ChatGPT. अब आपको अगर पता लगाना है that if it is created by using AI, there are different websites and tools available for you. There are tools like GPT-0, it's like Quillbot, या अगर आप Google करेंगे तो आपको और भी ऐसे काफ़ी resources मिल जाएंगे जहाँ पे if you just paste that assignment जो आपको मिला है किसी student ने अगर submit किया है बड़े ही style से with just one click, these tools can tell you that if it is generated using AI or not. Now some of them are free, some of them are paid, but then there are many freemium wale kuch options hain jahan pe aap ek trial inka le sakte hain and it clearly shows that no matter the kind of AI we have, no matter how you know advanced the ChatGPT gets, jo human creativity hai wo kahin na kahin hum sabko bahut unique banati hai. और उसको पता लगा पाना कि ये ह्यूमन जनरेटेड है या AI जनरेटेड, इट्स पॉसिबल एंड देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स गिविंग यू राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज असाइनमेंट्स. सो टीचर्स, आपके लिए मैंने आपको एक टिप दे दिया है एंड फॉर स्टूडेंट्स यू नो व्हाट टू डू नाउ. Okay, so guys, here we are, the last segment of the show, but then again, one of my personal favorites, हम बात कर रहे हैं Ask TG segment की, जहाँ पे मैं देने वाला हूँ सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे. Let's see क्या questions हैं आज हमारे पास में और क्या उनके जवाब मिलते हैं मेरी तरफ से. Hello TG, what is Samsung enabled HDR on Instagram?
सो सैमसंग ने अभी गैलेक्सी S24 सीरीज में फोटोज अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया है जहां पे यू क्लिक अ फोटो इन अ हाई डायनेमिक रेंज. जब आप उस फोटो को प्रीव्यू करते हैं अपने फोन की गैलरी में यू सी इट इन अ हाई डायनेमिक रेंज एंड इन फैक्ट व्हेन यू अपलोड इट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम इट गेट्स अपलोडेड विद ऑल दैट हाई डायनेमिक रेंज. So it's an end-to-end solution. It's a very nice way because Samsung now is working very closely with Instagram, giving users ki jo pura experience hai wo bahut acha ho jaye. And if you are using your camera app to upload let's say a story within the Instagram app ya agar aap kuch apna content post karte hain, so end-to-end you get a good quality. Sir, main website banana seekhna chahta hu, to isko kaise shuru karenge aur iske liye proper guidance kya hogi? By going on to a few websites, to be honest, आप Google पे जाइए and you search, there are multiple courses, आपको free में सारी information मिलने वाली है about how to make a website. So, website बनाने के लिए आपको पहले किसी website पे जाना होगा, वहाँ से सीखना होगा, then very easily you can create your own website. इस साल आप कौन सी electric car खरीदोगे? So, I have already booked a Tesla Cybertruck. But I'm just waiting to hear back from Tesla, जहाँ पे मैं उनको specifically अपने जो options हैं वो बताने वाला हूँ. And then let's see if I get the truck this year, or maybe I'll have to wait for one more year because थोड़ा deliveries में भी थोड़ा delay चल रहा है. So let's see, but I hope it's going to be a Tesla Cybertruck. Neck bend सही है या earbud? अलग both have their own unique pros and cons, I would say. मतलब neck band जो होता है वो आपको काफी लंबी battery देता है in one go. अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है तो आपको पता है कि वो आपके बॉडी से कहीं दूर नहीं गिरेगा. जब आपको यूज नहीं करना है यू कैन क्लियरली पुट इट बैक लाइक अ नेकलेस. बट द ईयरबड्स दे आर कम्प्लीटली वायरलेस, वेरी टाइनी, वेरी इजी टू यूज. बट देन अगेन द बैटरी इज लिमिटेड समटाइम्स. आपको बार बार उनके केस में उनको डालना पड़ेगा, कान से निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो इट्स अ मिक्स्ड बिटवीन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है एंड द वन दैट्स मोर सूटेबल फॉर यू. हेलो टेक्निकल गुरुजी, कैसे हैं आप? क्या टच स्क्रीन कंप्यूटर जल्दी खराब हो सकते हैं? हाय, मैं एकदम अच्छा हूँ. और अगर हम बात करते हैं टच स्क्रीन कंप्यूटर्स की, तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी खराब हो सकते हैं. बट सी द फैक्ट इज, लेट्स से टॉक अबाउट अ टच स्क्रीन ऑल इन वन और अ टच स्क्रीन इनेबल्ड लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल. नाउ इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टचिंग, समटाइम्स knowingly or unknowingly you might put some extra pressure with your fingers on the screen. तो उस वजह से कई बार स्क्रीन में डैमेज हो सकता है. बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट डिवाइस, दीज मशीन्स आर वेरी डेलिकेट, तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई वुड रिकमेंड दैट यूज द टच ऑप्शंस ओनली व्हेन यू फील द नीड ऑफ यूजिंग देम. अदरवाइज क्योंकि आपके पास में कीबोर्ड होगा, माउस भी होगा, तो यू कैन यूज दोज इनपुट मेथड्स rather than just putting your fingers and like pressure ke saath mein agar aap touch karte. Otherwise, though, they definitely are all okay. But because the screens are delicate, so touch has to be very delicate as well. So guys, that's all from this week's episode of Gadget 360 with Technical Guruji. I'm sure aapko har week ki tarah is baar bhi kaafi maza aaya hoga. And I just want you to stay tuned for the next one. Because next week, I'll have something very special for you. Har baar ki tarah kuch aur naya leke aane wala hu. So that's it from this week. Have a good day and take care.